हम आधारित संरचना के अंतर्गत ऊर्जा और स्वास्थ्य के बारे में पढ़े थे, जिसमें आधार इसमें आप प्रश्नोत्तर देखेंगे, ये आप लोग को नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, आधारित संरचना की व्याख्या कीजिए। समझ सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है, उसे आधारित संरचना निर्माण करने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आधारित संरचना कहा जाता है। इसके अंतर्गत सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली, मतलब ये सारी सुविधाएँ जो हैं वो देश के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। फिर आधारित संरचना को विभाजित करने के लिए दो वर्गों की व्याख्या कीजिए जो एक दूसरे को कैसे निर्भर है। अब आधारित संरचना को हम दो वर्गों में ऐसे बांटते हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक। अब सामाजिक क्षेत्र में क्या आता है और आर्थिक क्षेत्र में क्या आता है? तो सबसे पहले ऊर्जा, परिवहन, संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, और सामाजिक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आते हैं। ये इसलिए सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, शिक्षा के द्वारा उनको प्रेरित करता है और ज्ञान देता है, जिससे कि वे विकास में सहायक होते हैं। फिर सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना पर निर्भरता। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के परिवहन, संचार और ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उसके बिना विकसित नहीं हो सकते। और परिवहन की आवश्यकता पड़ती ही है क्योंकि परिवहन के द्वारा ही हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। फिर आर्थिक संरचना पर निर्भरता। आर्थिक संरचना जो है सामाजिक संरचना पर किस तरह निर्भर है? अब सामाजिक संरचना पर इसलिए निर्भर है क्योंकि जो परिवहन की सुविधाएं होगी, स्वास्थ्य लोग होंगे और ये सभी सारी सुविधाएं उपयोग करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तो ये परिवहन के माध्यम, संचार एवं परिवहन के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का भी उपयोग जो है वह प्रभावित होता है, जैसा कि वर्तमान में आप लोग देखते हैं। फिर आधारित संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है? मतलब उत्पादन संवर्धन, संवर्धन मतलब विकास, या उसमें हम किस तरह से और बढ़ावा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले संरचनात्मक ढांचे का समर्थन प्रणाली होना चाहिए। कुशल अर्थव्यवस्था कुशलता का निर्भर करता है, उसके साथ साथ काफ़ी हद तक तीव्र और बड़े पैमाने बीज, कीटनाशक, उर्वरक उत्पादन, परिवहन के लिए हम आधुनिक रेल और ऊर्जा का पर निर्भर होते हैं, जिस तरह से हमने बताया सामाजिक जो है आवागमन और रेल पर जो किस तरह से निर्भर है। फिर आधुनिक समय में कृषि और उद्योग, बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर है। इसमें संरचनात्मक ढांचे के अंदर शिक्षित लोग जब प्रभाव होंगे तो स्वाभाविक है अनपढ़ और अकुशल लोगों की जो कम कहीं अधिक होती है तो वह कम हो जाएगी। फिर स्वस्थ लोग जब होंगे तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस तरह से हम उत्पादन संरचना में संवर्धन कर सकते हैं। फिर ग्रामीण आधारित संरचना की क्या स्थिति है? ग्रामीण आधारित संरचना मतलब वहाँ पर ऊर्जा जो है वहाँ के लोग जो है 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं, ग्रामीण भारत में 56% परिवारों को बिजली की सुविधा, 43% परिवार आज भी मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 90% परिवार जो है खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। और जल है, जल भी ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध है, लेकिन लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना आदि जैसे पानी खुले स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। फिर सफाई की सुविधा तो उपलब्ध थी लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। फिर स्वास्थ्य संबंधी भी उनके कुल दवाखाने जो है आदि दवाखाने रहते हैं, वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोग रहते हैं, इस कारण भी यह वृद्धि होती है। फिर ऊर्जा का महत्व क्या है और व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों में अंतर। ऊर्जा का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा के लिए जब हम आवश्यक है, उदाहरण के लिए हम उनको ढूंढ नहीं सकते, ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा जब है, जब कृषि संबंधित जो बड़े पैमाने में जो प्रयोग होता है, जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी के उत्पादन में परिवहन खर्च होता है। फिर घरों में खाना बनाने, रोशनी करने और गर्म करने की आवश्यकता की पूर्ति भी ऊर्जा का ही उपयोग होता है। अब इसमें हम देखेंगे ऊर्जा के स्रोत, व्यावसायिक स्रोत क्या हैं। जैसे कि ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं, वे ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत कहा जाता है। और इसमें फिर है ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें खरीदे या बेचे नहीं जाते हैं, ऊर्जा वे गैर व्यावसायिक स्रोत कहा जाता है। मतलब व्यवसाय जिसके हम खरीदते हैं या उसका मूल्य चुकाते हैं वह व्यावसायिक हो गया, जिसका हम मूल्य नहीं चुकाते वह व्यावसायिक नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोल, विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है। यहाँ पर सूखा गोबर, कृषि अपशिष्ट, जलाऊ लकड़ी ये गैर व्यावसायिक है। इसी तरह से जो नवीनीकरण जो व्यावसायिक स्रोत के, प्रायः बिजली का अपवाद है क्योंकि ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पनबिजली जो है वह एक अपवाद है। फिर यहाँ पर गैर व्यावसायिक स्रोतों के पुनर्निर्माण हो सकता है, इनका मतलब हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। फिर विद्युत उत्पादन के तीन बुनियादी स्रोत कौन कौन से हैं? जल है, तेल है, गैस और कोयला, रेडियोधर्मी तत्व। जल जो है अपन विद्युत हम इससे तैयार कर सकते हैं, गैस, तेल, कोयला जो तापीय ऊर्जा कहते हैं जिससे ताप ऊर्जा प्राप्त होती है, और रेडियोधर्मी तत्व इससे भी परमाणु ऊर्जा कहा जाता है, इसके द्वारा भी हम ऊर्जा उत्पन्न
कर सकते हैं। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत क्या हैं? गोबर के उपले, कृषि अपशिष्ट और जलाऊ लकड़ी, जो कि हमने अभी अंतर में आपको बताया है। फिर ऊर्जा के पुनर्नवीकरण स्रोतों के इस्तेमाल की ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में एक ऊर्जा संकट है जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक है और इसका पुनर्निर्माण स्रोत इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। जैसे सरकार पन विद्युत पवन ऊर्जा का उपयोग जो है प्रोत्साहित करना, बायो गैर उत्पादन का कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया है। इस तरह से हम सौर ऊर्जा का भी उपयोग करते हैं जिससे ऊर्जा संकट को हम दूर कर सकते हैं। फिर है पिछले वर्षों के दौरान ऊर्जा के उपयोग में प्रतिमानों को कैसे परिवर्तित किया जाता है, जो ऊर्जा के दौरान जो उपयोग हम करते हैं उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। फिर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत जो हैं, जैसे तेल है, गैस है, जल ऊर्जा है, ये सब जो शामिल हैं इनको हम व्यावसायिक ऊर्जा से ही पूरा करते हैं क्योंकि इनके बदले में हम पैसा चुकाते हैं। फिर ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत जैसे लकड़ी, गाय का गोबर, ये सब स्रोत जो शामिल है जिसका उपयोग हम 30% से अधिक हिस्सा करते हैं। व्यावसायिक ऊर्जा और उपयोग में क्षेत्रवार ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गैर व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग हुआ जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक स्रोत होता है। फिर ऊर्जा के उपभोग आर्थिक समृद्धि की दरें कैसे परस्पर संबंधित हैं? जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा का उपभोग भी बढ़ता जाता है। इसलिए हम आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि के लोगों की आय बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप जो है वस्तुओं और परिवारों के साथ सेवा का उपभोग भी बढ़ जाता है, जिसमें उद्योगों के लिए जो उत्पादन है वह जैसे कि हम चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे आर्थिक विकास की दर है, लोगों की आय में वृद्धि होगी, जब आर्थिक विकास की दर वृद्धि होगी स्वाभाविक लोगों की आय में वृद्धि होगी, वस्तुओं सेवा इलेक्ट्रिक वस्तु फिर मांग भी बढ़ेगी, जैसे उनकी आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, उत्पादन में भी वृद्धि होगी और लोगों के जो उद्योगों में ऊर्जा की जो खपत है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उद्योगों में ऊर्जा की खपत होगी और इस तरह से आर्थिक विकास में इसका सहयोग होता है। फिर भारत में विद्युत क्षेत्र किन समस्याओं का सामना कर रहा है? जैसे भारत में बिजली क्षमता में वृद्धि इसकी समस्या है। फिर राज्य में विद्युत बोर्ड में जल वितरण करते हैं, इसमें 500 करोड़ से ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण संप्रेषण और वितरण होता है जिसमें बिजली की चोरी होती है और निगमों को भी विद्युत निगमों को बहुत नुकसान होता है। फिर निजी क्षेत्र में भूमिका जो है बहुत कम होती है। फिर भारतीय जनता लंबे समय तक बिजली गुल रहने से बिजली की ऊँची दरों से भी असंतोष रहते हैं और इस तरह से ऊँची कीमतों और अकुशलता की समस्या सामने आती है। फिर हमारे देश में जनता के स्वास्थ्य की मुख्य विशेषता क्या है? स्वाभाविक है, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, जनता स्वस्थ होगा तो आर्थिक विकास तेजी से होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता का स्त्रियों के स्वास्थ्य बहुत अवहेलना की जाती है, फिर यही स्वास्थ्य है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अनदेखा किया जाता है लेकिन शहरी क्षेत्रों में ध्यान दिया जाता है। अधिकतर स्वास्थ्य जो है निजी क्षेत्र को प्रदान की जाती है और जिससे निर्धनों की दयनीय स्थिति होती है और जो सरकारी यदि है तभी हम उसे सेवाओं में सुधार हो सकता है। फिर स्वास्थ्य सूचकों के अनुसार स्वास्थ्य स्थिति के स्तर में अति निम्न है, जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा आदि से प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है स्वास्थ्य आधारित संरचना पर खर्च किया जाता है और अन्य देशों की तुलना में बहुत आयात ही कम है। फिर रोग वैश्विक भार GDP क्या है? इसमें रोग वैश्विक भार एक सूचक है जिसमें संख्या दर्शाता है किसी विशेष रोग के कारण असमय मर जाते हैं या किसी और रोग के कारण जीवन की असमर्थता में बिताते हैं। हमारी स्वास्थ्य की देखभाल की प्रमुख कमियां क्या हैं? हमारी जो कमियां हैं वो क्या हैं? स्वास्थ्य देखभाल में सेवाओं का असमान वितरण होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई नई तरह की नई बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वैक्सीन खोजने में समय लग जाता है। फिर निजी क्षेत्र का प्रभुत्व, इसमें जो स्वास्थ्य आधारित संरचना निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है, कमजोर वर्ग जो है उनको बोझ उठाना पड़ता है, अकुशल प्रबंधन होने के कारण भी, दयनीय जन स्वास्थ्य के कारण भी, इसमें निरक्षरता जो है इसके कारण सामान्य बीमारियों की उनके कारण अनभिज्ञ रहते हैं और बीमारियों को काले जादू के रूप में ले लिया जाता है और फिर वे इस तरह अंधविश्वासों में जुड़ जाते हैं और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ बताइए, जिसमें राज्य रोगों को नियंत्रण के लिए उठाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को बताइए, जिसमें संचार के साधनों द्वारा एड्स, कैंसर, क्षय रोग जैसी बीमारियों को के बारे में जागरूकता उत्पन्न हम कर सकते हैं। फिर पल्स पोलियो अभियान के आयोजन के द्वारा पल्स पोलियो को जड़ को समाप्त कर सकते हैं। जल, स्वच्छ जल जो है, स्वच्छ सुविधाओं को प्रावधान होना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, शहरी ग्रामीण दोनों जगह होना चाहिए। निजी सार्वजनिक भागीदारी, निजी सार्वजनिक दोनों ही भागीदारी होनी चाहिए जिससे कि को अपनाकर औषधियों, स्वास्थ्य विश्वसनीय गुणवत्ता और वहनता को सुनिश्चित करेगा। फिर सरकार द्वारा चलित अस्पतालों और दवाखानों द्वारा बच्चों के मुफ्त प्रतिरक्षण क्षमता जो है वह मालूम होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको मुफ्त दवाई और उनके स्वास्थ्य निरीक्षण होना चाहिए।
फिर है भारतीय चिकित्सा की छह प्रणालियों के भेद बताइए। इसमें छह प्रणालियां हैं, आयुर्वेद है, योग है, उनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, सिद्ध है, होम्योपैथी है। मतलब इनके माध्यम से हम चिकित्सा कर सकते हैं। हम स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं? इसमें स्वास्थ्य जो है कार्यक्रमों को प्रभावशीलता निम्नलिखित विधियों से हम बढ़ा सकते हैं। फिर स्वास्थ्य सेवाओं का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण करके सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सर्व सुनिश्चित करके, ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको एक बार पहले भी समझा चुकी हूँ, ये दोबारा है, इसको आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। जैसे सामाजिक आयुर्विज्ञान का ध्यान रखना है और दूरसंचार और आईटी क्षेत्र की भूमिका का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें कुशलता बढ़ाने, दूरसंचार विशेष